बाद जब लोग उतर के आए हैं तो ये लोग भाग भाग खड़े हुए हैं। इन लोगों को लगा सात आठ हमारे साथ पुलिस के लोग थे, और जब ये देखे कि इतने पुलिस के लोग, तब ये लोग भागे उधर, नहीं तो ये लोग ब्रश फायर करने वाले थे। गांव के आदमी हल्ला करते हुए, और ये देखे मेरी गाड़ी देखे, और ये गाड़ी कैसे खड़ी बीच में रोकी गई है। प्रत्याशी का जहाँ पर नाम होता है ये पास बनी हुई है, ये प्रत्याशी के लिए पास बनी है। और देखिए प्रत्याशी, आप पढ़िए, आप नहीं पढ़ पाएंगे किसकी ये गाड़ी। ये केवल ये हत्या की साजिश थी, बड़े हत्या की साजिश, ये बड़े हत्या की साजिश थी, क्योंकि ये लोग बौखला चुके हैं, ये लोग हार अपने मान चुके हैं। अब इनके पास कोई दूसरा अस्त्र नहीं है हत्या कराने के। भैया नेताजी के पास फोन नहीं होते तो हत्या बहुत बड़ी होगी। कितने लोग थे? अब ये तो मैंने ही देखा, चार पांच गाड़ियां थी, और कोर्ट टंगा हुआ है, बताया गया कि और लगा हुआ है, दो दो और गाड़ियां टंगा हुआ, और गाड़ियां उधर से भाग खड़ी। हमारे साथ कुंजी पाठक भी थे, उनकी गाड़ी भी थी, उसको गाड़ी का फोड़ते हुए भाग गए। बलिया जनपद के दुबहर थाना क्षेत्र के अखार गांव में भाजपा के नगर विधानसभा के प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के प्रस्तावक वीरेंद्र कुमार पाठक टूनजी और दो अन्य गाड़ियों पर तीन गाड़ियों पर सवार हमलावरों द्वारा हमला किए जाने की खबर है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। घटना अखार की बताई जा रही है। घटना के समय टूनजी पाठक व अन्य लोग गाड़ियों से उतरकर बातचीत कर रहे थे। हमलावरों ने टूनजी पाठक की फॉर्च्यूनर का शीशा फोड़कर चालक को मारा पीटा है। हमलावरों की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को चालक समेत ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। मौके पर दुबहर थाना अध्यक्ष मय फोर्स पहुंचकर छानबीन कर जांच की जा रही है। कल मतदान होना है, और अभी रात को आप किस जगह पर आए थे और क्या हुआ था? देखिए, मैं अखार गांव में आया था। मैं पूरे चुनाव के दरमियान एक दिन भी अखार गांव में मैं नहीं आया था, और क्योंकि मैंने व्यस्तता के कारण, हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पिंटू सिंह जी, जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनके पिताजी की मृत्यु हुई है, मैं एक दिन भी इस गांव में प्रचार करने के लिए भी नहीं आया। मैं सोचा कि कल जो है चुनाव है, और मैं उनके पिताजी के मृत्यु पर उनके घर नहीं आया था, तो मैं आज उनके घर गया, और घर से जब वापस जा रहा था तो अचानक ये गाड़ी खड़ी मिली, उसमें से कुछ लोग उतरे, उस गाड़ी से कुछ लोग उतरे और हमारे गाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश किए। तब तक पीछे से जो हमारे सिक्योरिटी के लोगों ने देखा कि जाम लगा, क्या लगा, तो वो जब नीचे उतर करके मेरे पीछे पीछे जब आने लगे, तो उसके बाद वो लोग भाग खड़े हुए, और केवल ड्राइवर इस गाड़ी में रह गया, और उसके बाद वो लोग भाग गए। ये किसकी गाड़ी आपको लग रही है? किसकी गाड़ी? ये गाड़ी मुझे देखिए, ये गाड़ी 32-71-72-73, आप पता करिए, उत्तर प्रदेश के एक बड़े माफिया के फ्लैट में इसी नंबर की गाड़ी रहती है, केवल इसी नंबर की जी। ये मुख्तार गैंग में ये गाड़ी एक नहीं, इस तरह उनके 500 गाड़ियां इसी नंबर की है। और अभी हम लोग इंटरनेट से पता किए तो कोई मतुल्ला के नाम से ये लखनऊ में ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। तो क्या आपका आरोप है कि मुख्तार अंसारी जो है और ये इसकी पता करिए कि देखिए इसमें प्रत्याशी को भी छुपाया गया है। ये टोटली एक हत्या की साजिश बड़े रूप में ये की गई है। और इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए कि गाड़ी किसकी है, ये प्रत्याशी कौन है जो अपने को छुपा रहा है कि मैं प्रत्याशी पास लगा हुआ है, ये पास सही है या फर्जी है, ये अभिकर्ता उसका पास है, या तो अभिकर्ता का होगा या जो है या प्रत्याशी का होगा, या अपने नाम को छुपा दिया है, नाम क्या